दोस्तों, अगर आप भी अदर अफिलिएट मार्केटर्स को फॉलो करते हैं तो आपने उनकी अर्निंग बहुत बार देखी होगी, उन्हें अपनी अर्निंग बताई होगी। एंड अफिलिएट मार्केटिंग में रियल में बहुत सारी अर्निंग होती है, लेकिन आप भी उस अर्निंग को अचीव करना चाहते हैं और आप भी अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप कौन से प्रोडक्ट को चूज करके उनकी अफिलिएट मार्केटिंग करें और कौन से प्रोडक्ट को सेल करें। तो आज की इस वीडियो में वही हेल्प आपको करने वाला हूं कि आपको बताऊंगा कि आपको किस टाइप के प्रोडक्ट या फिर कौन से प्रोडक्ट चूज करने चाहिए अफिलिएट मार्केटिंग के लिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो। और ऐसे प्रोडक्ट बताऊंगा जो ज्यादा से ज्यादा बिकते हैं, यानी रियल में उनकी सेल बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को कंप्लीटली देखना, जरा भी मिस मत करना। एंड इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आगे भी जानने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए और हमें बेल आइकन को भी दबा दीजिए और हमारे वीडियोस को मतलब आगे पुश करने के लिए, ज्यादा ज्यादा रीच देने के लिए हमें आप लाइक करके अपने कमेंट भी आप छोड़ सकते हैं। तो वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मानविंदर चौधरी एंड आई एम डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और आप देख रहे हैं डिजिटल वैज्ञानिक यूट्यूब चैनल वेयर वी टॉक अबाउट साइंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ, जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट बेस्ट प्रोडक्ट फॉर अफिलिएट मार्केटिंग टू जनरेट मोर मनी फ्रॉम ऑनलाइन। सो जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे सबसे पहले टाइप के जो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा मात्रा में बिकते हैं वो है डिजिटल प्रोडक्ट। अब डिजिटल प्रोडक्ट किस टाइप के हो सकते हैं? सबसे पहला था कोर्सेज। आपने कई सारे अफिलिएट मार्केटर्स को या फिर कई सारे मार्केटर्स यानी भी किसी को भी आपने कोर्स सेल करते हुए देखा होगा और वो अपने कोर्सेज में अफिलिएट प्रोग्राम भी रन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कोर्स में एनरोल्ड हूं जिसका नाम है सुप्रीम कैंपस, जिसके अंदर ब्लॉगिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूबिंग, इन तीन चीजों से रिलेटेड वो एक कोर्स है। उस चीज में एक अफिलिएट प्रोग्राम भी है और मैं उस कोर्स को प्रमोट करता हूं, जो कि आपने मेरे साथ रिव्यू भी देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उस रिव्यू को देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कि मैं भी एक कोर्स को प्रमोट करता हूं, इसी तरह से सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं, काफी सारे अदर भी कोर्सेस रहते हैं। जैसे कि एक और कोर्स है अट्रैक्टिव टेड्स वुडवर्किंग प्रोजेक्ट, शायद वो है, वो क्लिक बैंक के ऊपर अवेलेबल है। इन शॉर्ट, किसी भी तरह का एक कोर्स होता है जो कि अफिलिएट प्रोग्राम रन कर रहा है, उसे आप अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके उसे प्रमोट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका जिसका है कोर्सेस। सेकंड, उसी तरह से जैसे कि अगर कोई कोर्सेस अपना अफिलिएट प्रोग्राम रन कर रहा है, उसी तरह से बुक्स भी अपना, कोई अगर राइटर है वो अपने बुक्स का भी अफिलिएट प्रोग्राम रन करते हैं, या फिर अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो आप सिंपली अमेजोन के ऊपर जाइए, अमेजोन के ऊपर आप अमेजोन अफिलिएट ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से अगर आप बुक्स को प्रमोट करते हैं तो उसमें भी काफी तगड़ी अर्निंग होती है, बहुत ही तगड़ी यहाँ पर आपको अफिलिएट कमीशन देखने को मिलती है। एंड थर्ड वन इज मेंबरशिप। जैसे कि मेंबरशिप किस तरह की होती है, जैसे किसी की एप्लीकेशन की मेंबरशिप अगर बात करें तो मैं किस टाइप की मेंबरशिप प्रमोट करता हूं, जैसे कि अपने मैं फाइनेंशियल रिलेटेड जो एप्लीकेशन होती है, जैसे कि ग्रो हो गया, ट्रिंकर हो गया, अपस्टॉक्स है, इसी तरह से काफी सारे और भी अदर एप्लीकेशन है जिन्हें मैं प्रमोट करता हूं, जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड, जो मंथली सब्सक्रिप्शन तो नहीं लगता, बट इन शॉर्ट ऐसी एप्लीकेशन जिनमें सब्सक्रिप्शन लगता हो। जैसे कि कोई तो ऐप है जिसका नाम ये बुक या फिर गीगल करके कोई ऐप है, अगर आप उस ऐप को यूज कर रहे हैं, अगर आपने अपने दोस्त को या फिर किसी को भी वो ऐप रिकमेंड करी है और उस लिंक के थ्रू कोई भी पर्सन उसका सब्सक्रिप्शन लेता है, वो मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, उसमें से आपको एक कमीशन मिलती है, तो इसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। आप किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन होती है, किसी भी आप सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन प्रमोट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो गया, वेबसाइट हो, किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन आप प्रमोट कर सकते हैं। होस्टिंग में भी सब्सक्रिप्शन होती है, सेमरा जो कि एक कीवर्ड रिसर्च टूल है उसमें भी सब्सक्रिप्शन होती है। इन शॉर्ट किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन होती है, उसे आप प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वो है वीडियोस एंड इमेजेस। आपने वीडियो और इमेजेस के लिए काफी सारी वेबसाइट, जैसे कि पिक्सा वे, अब पिक्सा वे करके एक वेबसाइट है जिसमें बहुत सारी स्टॉक इमेजेस रहती है, मतलब वो लाइसेंस फ्री टू यूज नहीं है, बट उन इमेजेस को यूज करने के लिए आपको पे करना होता है, तो उस चीज का आप अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फिर जिनको भी जरूरत है उन्हें आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर वो वहां से परचेज कर रहे हैं उनका सब्सक्रिप्शन, तो वेबसाइट आपको अफिलिएट अर्निंग देगी। इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड, इमेजेस से रिलेटेड काफी सारी वेबसाइट ऐसी रहती है जिनको मेनली जो यूज करते हैं वो वेबसाइट, जो वेबसाइट लोग बनाते हैं, वेब डेवलपर यूज करते हैं ऐसी वेबसाइट का, हमारे यूट्यूबर्स लोग यूज करते हैं, रीलर्स लोग यूज करते हैं, इन शॉर्ट जिन्हें भी स्टॉक इमेजेस, सॉफ्ट स्टॉक वीडियोस की रिक्वायरमेंट होती है, वो लोग ऐसी चीजों को यूज करते हैं। अगर आप ऐसी वेबसाइट को प्रमोट कर सके इन लोगों के सामने, तो वो लोग उस लिंक से जरूर उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे, इस वेबसाइट से परचेज करेंगे और आपको उस चीज की अफिलिएट कमीशन मिलेगी। नेक्स्ट वो है थीम का। अब थीम में बहुत सारी चीज, जैसे कि वर्डप्रेस थीम हो गया, ब्लॉगर थीम हो गया, इस तरह से मैं भी कई थीम्स की अफिलिएट मार्केटिंग करता हूं। जैसे कि हमारे द शॉप मेनिया करके एक थीम का जो एक पूरा मार्केट प्लेस है, मतलब उनकी खुद की वेबसाइट है, वो लोग बहुत सारे थीम्स बनाती है, द शॉप मेनिया। उसके बाद बात करें तो जनरेट प्रेस, WP ओसन, WP अस्तरा, इस तरह से ये जो थीम्स, तीन चार गिने चुने थीम्स हैं, उन्हें मैं खुद प्रमोट करता हूं ताकि आपको हेल्प मिले। मैं ऐसी चीज प्रमोट नहीं करता जिससे आपको कोई हेल्प नहीं। अगर आपकी वेबसाइट आपको फास्ट बनानी है, आपको कुछ ऐसे फंक्शन चाहिए जो इन थीम्स के थ्रू मिल रहे हैं, तो उन थीम्स को मैं प्रमोट करता हूं ताकि आपका काम ईजी हो जाए और आपकी परचेज से मुझे उसकी अफिलिएट अर्निंग मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी थीम की वेबसाइट है, थीम फॉरेस्ट हो गया, एनवेटो एलिमेंट्स हो गया, इनको जो आप ज्वाइन कर सकते हैं इनके अफिलिएट प्रोग्राम को और वहां से आप थीम्स को प्रमोट करके अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थीम की तरह ही प्लगइन्स का है। अब
प्लगइन से इन्हीं तरह की वेबसाइट में थीम फॉरेस्ट एंड वर्टो एलिमेंट इस तरह की वेबसाइट में प्लगइन्स भी मिल जाती है। इन शॉर्ट जहां थीम्स मिलते हैं वहां आपको प्लगइन्स भी मिल जाएगा और वहीं से आप प्लगइन्स की भी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर पाएंगे, उन्हें भी प्रमोट करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। तो ये सब तो हो गया हमारे डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड। और दोस्तों अगर आपको वीडियो में जरा भी इंटरेस्ट आ रहा है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, वीडियो आपकी काम की लग रही है, तो वीडियो को सबसे पहले तो यहीं कहीं आपको नीचे लाइक का बटन मिल जाएगा, सबसे पहले तो लाइक करो ताकि हमारा मोटिवेशन बूस्ट हो और हमारी चैनल की रीच भी बढ़े। एंड थैंक्स इन एडवांस फॉर लाइकिंग माय वीडियोस। तो बहुत हुआ बातें, बढ़ते हमारे वीडियो में आगे की तरफ। उसके बाद आता है SaaS प्रोडक्ट, यानी कि SaaS यानी होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो कि प्रोडक्ट होता है। इन्हें भी आप प्रमोट कर सकते हैं, जिनमें हम बात करें तो कुछ ऐसे टूल्स है जैसे कि हम कुछ ऑटोमेशन टूल होते हैं, कुछ लैंडिंग पेज जनरेटर टूल है, जैसे कि मैं खुद जिन टूल्स को प्रमोट करता हूं वो है एक्टिव कैंपेन जो कि एक ईमेल मार्केटिंग टूल है, डीबाउंस जो कि एक ईमेल वेरिफिकेशन टूल है, सिस्टम डॉट आयो जो कि एक लैंडिंग पेज जनरेटर टूल है। इसी तरह से बहुत सारे और भी अदर टूल्स है जिन्हें मैं प्रमोट करता हूँ। बात कर रहे थे इनमें कुछ गिने चुने के बारे में जो बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे पहला अवेबर, ये एक ईमेल मार्केटिंग टूल है। अगर आप ऐसे लोगों को ये लेके जाते जिन्हें ईमेल मार्केटिंग की जरूरत अभी है या फिर भविष्य में पढ़ने वाली है, तो जैसे ही वो इनका मंथली सब्सक्रिप्शन होता है तो मंथली आपको यहाँ पर रिकवरिंग कमीशन मिलती है। उसी तरह से एक्टिव कैंपेन भी है, उसी तरह से हमारा डीबाउंस है। अब डीबाउंस क्या है, डीबाउंस को मैं खुद यूज करता हूँ, ये एक ईमेल वेरिफिकेशन टूल है। उसके बाद सेंडिंग ब्लू, ये भी ईमेल मार्केटिंग टूल है। सेमरस, ये एक कीवर्ड रिसर्च टूल है, एसईओ टूल है, जिसमें आप वेबसाइट का एसईओ एनालिसिस, कीवर्ड एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये भी मंथली सब्सक्रिप्शन पे होता है, इसमें भी आपको मंथली रिकरिंग अर्निंग होती है। उसके बाद कुछ एआई राइटर है, जैसे कि मैं पर्सनली प्रमोट करता हूं वो है writer.me, ब्रेमवर्क, ऑटो राइटर, और इसी तरह से अदर एआई राइटर्स भी है जिन्हें मैं प्रमोट करता हूं। तो आप देख सकते हैं आपको कौन सा ज्यादा फिट बैठता है। उसके बाद बात करें तो कुछ अगर आपका इन दोनों चीजों में आपका मतलब कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, तो इसके बाद ऑप्शन है हमारे हेल्थ एंड वेलनेस का। अब हेल्थ एंड वेलनेस में सबसे ज्यादा जो चीजें चलती है वो है वेट लॉस, वेट गेन एंड डाइटिंग। इन तीनों के रिलेटेड अगर आप अपनी अच्छी सी ब्लॉग, अच्छी सी वीडियो, इन शॉर्ट अच्छी सी चैनल या फिर अच्छी ब्लॉग सेटअप कर लेते हैं और आपका अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगता है, तो आपको यहाँ से बहुत ही तगड़ी अर्निंग होती। अब इस रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट हमको क्लिक बैंक के ऊपर, जनरली क्लिक बैंक के ऊपर बहुत सारे इसके रिलेटेड प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। इनमें कई सारे डिजिटल प्रोडक्ट भी रहते हैं जिसमें अपना कोर्स हो गया, कुछ डाइट प्लान्स हो गए, इतनी सारी चीजें, और कुछ तो सप्लीमेंट हो गया, कुछ पिल्स, कुछ मतलब इन शॉर्ट बहुत सारी चीजें रहती। फिजिकल भी एंड डिजिटल प्रोडक्ट दोनों तरह के प्रोडक्ट रहते हैं इस हेल्थ एंड वेलनेस नीश के अंदर। तो यहाँ पर भी आप अच्छी खासी तगड़ी अर्निंग कर सकते हैं। अब इसमें आपको वन टाइम अर्निंग भी होती है, यानी कि आपने एक बार प्रमोट किया, बंदे ने परचेस किया, आपको उसकी अर्निंग हो जाएगी। लेकिन कई कई केसेस में आपकी इनकी रिकरिंग अर्निंग भी होती है, जिसमें आपको मंथली या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है, उसमें मंथली या फिर ईयरली आपको रिकरिंग अर्निंग होती जाती है। तो ये काफी अच्छी बात है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि सबसे ज्यादा चीजें सेल होती है, वो है होम एंड किचन अप्लायंस। अब जैसे कि फ्रिज, पंखा, एसी, मिक्सर, ग्राइंडर, इस तरह से काफी सारी चीजें हैं जो कि अमेजोन के ऊपर अवेलेबल हैं, और जनरली इससे रिलेटेड आपको सभी के सभी प्रोडक्ट आपको अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। यानी कि आपको सिर्फ एक अमेजोन अफिलिएट का प्रोग्राम ज्वाइन करना है और आपको सभी के सभी प्रोडक्ट का, इन सभी के सभी होम एंड किचन अप्लायंस का एक्सेस मिल जाएगा, जिसे आप प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हैं। और होम एंड किचन अप्लायंसेस की अफिलिएट कमीशन भी बाकी अदर प्रोडक्ट के रिलेटेड काफी ज्यादा होती है, तो आपको ये चीज का फायदा होता है। बट इसमें क्या है कि सभी के सभी फिजिकल प्रोडक्ट है, आपको वन टाइम अर्निंग होती है, कोई रिकरिंग अर्निंग नहीं होती, बट फिर भी इनमें बहुत ही अच्छी अर्निंग होती है। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे ऐसे कि आपको अगर अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है तो आपको किन प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट अगर आप सेल करेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कमीशन होगी, अच्छी से अच्छी आपकी अर्निंग होगी और ज्यादा से ज्यादा उनमें आप ट्रैफिक जनरेट कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है और वीडियो देखने में मजा आई है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना सबसे पहले, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। एंड दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।